सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात 8 बजे सादर जय जी है। समाज के लिए तमाचा, प्रशासन के लिए देखने वाली बात। सादर जय जत। आज की शुरुआत गढ़नियारी का सौभाग्यमती माता जी रामटेक से गोदिया की ओर बिहार चल रहा था। ये घटना है परसों लगभग शनिवार को 4:30 के बीच की बात है। बिहार चल रहा था, गजब की बात है कि समाज वाला कोई नहीं था। हम बार बार कहते रहे लेकिन हम समाज वाले कहते हैं जब हमारे बिहार का नंबर आता है तो हम आंख मुंह करके घर पर पसर जाते हैं। बिहार में कभी आहार विहार निहार हम देखते नहीं साधु संतों, और कहते हैं सुरक्षा नहीं होती है। एक दो कर्मचारी के साथ पूरा संघ चल रहा था, कई जगह सड़क टूटी हुई थी। जब लगा सड़क चौड़ी हो गई, थोड़ा शांति का है तो सोचा विश्राम कर ले, लंबा बिहार हो गया है। लगभग 4:30 का वक्त हो चुका था तभी बाइक पे दो नौजवान आते हैं और आकर उल्टी सूती गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर पर जाके धर्म करो, ऐसे क्यों करते हो, हम तो यहाँ दारू पीते हैं और तुम आके यहाँ बैठते हो। कई गालियां दी उन्होंने माँ बहन की, पता नहीं क्या करते वो। लेकिन तभी माता जी को एकदम आया, इनकी वीडियो बनाओ, जोर से कहा। और फिर जैसे ही वीडियो बन गया वो तुरंत और गाली देते हुए निकल गए। सोचने वाली बात है, उस समय आसपास कोई भी हमारे समाज का नहीं था। कोई और अप्रिय घटना हो जाती तो बड़ी परेशानी समाज के लिए। आज बहुत मुंह दिखाना के काबिल नहीं होते, कभी सोच सकते हैं आप। पुलिस व्यवस्था थी लेकिन पुलिस वालों को समाज ने कोई सूचित नहीं किया, पुलिस व्यवस्था भी फिर विराम ले गई। बाद में जब आगे पहुंचे समाज वाले आए और समाज में आज ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हमारे ए साधु आ रहा है तो बी साधु की एंट्री बंद है। यह तक आ गया, जब समाज के पास गए समाज का आप हमारे यहां बस आहार लेके चल दो, ठहरने की हम व्यवस्था नहीं करेंगे क्योंकि एक हमारे बड़े महाराज आ रहे हैं। हम ये जो छेदन करते हैं, भेदन करते हैं, आपस में पंथवाद करते हैं, संतवाद करते हैं, और अरे एक ही जगह ठहराने की होती है कि समाज के पास, घर के पास कहीं और भी कहीं व्यवस्था तो कोई भी कर सकता है। पर आज बड़ा दर्द होता है जब हम इस तरह की बातें समाज के अंदर हो जाती हैं। रास्ते में दुर्व्यवहार होता है, गाली गलौज होती है, पुलिस की व्यवस्था होती नहीं, समाज वाले गायब होते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं यहाँ व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई गढ़नियारी का सौभाग्यमती माता जी के साथ। हमने बात की उनके संघ की दीदी जयंती जी से, सुनिए आप। दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था वाले भी आए, चर्चा सुनी थी उन्होंने उनसे कि हाँ ऐसा हो गया पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले सुना, नोट किया और फिर कहा हम आपकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था विहार में रखेंगे। एक बार सुनिए जयंती दीदी से उन्होंने क्या बताया। चल हमारे सुनिए। हम लोग मतलब विहार कर रहे थे जी, तो हम लोग रोड पे बैठे हुए थे साइड में, ठीक है, और दो लड़के आए तो पहले तो आगे निकल गए वो लोग और फिर पीछे लौट करके आए, और आते ही उठो यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग रास्ता घेर के वो, जबकि हम लोग एकदम साइड में बैठे थे, मतलब मुश्किल से 4 इंच जगह रोड की लिए थे, वहाँ के पैर भी बाहर ही थे रोड के बाहर जी। और तो बोले थक गए हैं, रोड भी थोड़ा खराब था आगे, तो जब थोड़ा अच्छा सा रोड मिला तो जाके माता जी लोग सब बैठ गए कि चलो थोड़ा अच्छा रोड मिल गया है, ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बस वो आके गाली गलौज करने लगा, हमारा धर्म घर में करो, न यहाँ क्यों घूमते हो, न यहाँ क्यों बैठते हो, न हम यहीं पे हम भी बैठते दारू पी के, न हम मतलब बहुत अनाप शनाप और गालियां दे रहा था जो मतलब अपन मुंह से नहीं बोलते। सही बात है, नहीं हमारे श्रावक लोग नहीं थे हमारे साथ बिहार में, कोई भी नहीं था, गोंदिया समाज के कोई भी नहीं थे, जबकि गोंदिया समाज 10 किलोमीटर ही था गोंदिया यहाँ से। गोंदिया कितनी दूर है यहाँ से घटनास्थल से? वहाँ से गोंदिया 10 किलोमीटर था। तो आप जब बिहार गए समाज कोई आदमी आपके साथ नहीं थे, मतलब समाज के नहीं थे, बस कर्मचारी थे, तो मतलब समाज कोई साथ नहीं चल रहा था, कोई समाज का साथ नहीं था, बल्कि यहाँ गोंदिया समाज में जानकारी दी थी तो वो बोले कि यहाँ समय सागर महाराज जी आने वाले हैं इसलिए आपकी व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, आप लोग मतलब आना है तो आहार करो और आहार करके निकल जाना क्योंकि यहाँ हमारे महाराज जी आने वाले हैं, तो यहाँ आपकी कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ये समाचार आपको समाचार किसने दिया आपको, ये आपको किसने दिया वहाँ पर समाज में से? ये समाज के अध्यक्ष जो है ना उन्होंने बोला था कि मतलब यहाँ एक आहार की व्यवस्था होगी क्योंकि यदि आपका संग रहेगा तो समय सागर महाराज जी यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा। और हमारे यहाँ भवन भी एक ही है तो यहाँ पे एक ही मतलब रहेगा। तो फिर बाद में माता जी के पास वो लोग बस्ती आए थे, 2-3 आहार के लिए महिलाएं आई थी दूसरे दिन जी,
तो माता जी से चर्चा करी कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ पे, महाराज जी आने वाले भवन एक ही है। तो मैंने उनको कहा कि महाराज जी का तो अभी मतलब बोला कि मतलब माता जी तो अभी कल पहुंच रही हैं आपके यहाँ, और महाराज जी का तो अभी डोंगरगढ़ से बिहार भी नहीं हुआ है, तो तुम उनके बारे में सोच रहे हो, और जो साधु मतलब आपके सामने है 10 किलोमीटर पे, आप उसके लिए नहीं सोच रहे, जो 80 किलोमीटर दूर है उसके लिए सोच रहे हो। तो पहले तो अपना कर्तव्य बनता है जो साधु सामने है उसकी करें, और साधु को एक मंच पे बिठाने का काम श्रावक का होता है, और तुम लोग क्यों फूट डालते हो? साधु संतों के मन में ऐसा कुछ नहीं है, जी बिल्कुल, सब वो भी मिलेंगे तो वो भी मिल लेंगे दर्शन, हम तो छोटे हैं, माता जी तो छोटे हैं, तो जी उनको तो झुकना ही है, बिना बिना ही करनी है जी। तो इस टाइप से माता जी बोले थे, तो उन्होंने व्यवस्था नहीं करी वहाँ पर, वो सब ठीक है, बोले नहीं वो एक ही दिन की व्यवस्था हो पाएगी हमारे यहाँ हर की खाली। माता जी भी पूरा 125 किलोमीटर चल के आ रहे थे, तो थक भी गए थे, रास्ता भी खराब था, तो सोचा था 2-4 दिन गोंदिया में रुकेंगे। माता जी का अवतरण दिवस भी है कल 5 तारीख को, कल है। अच्छा, देखा कि भाई कुछ भक्त लोग आते हैं तो वो भी आ जाएंगे। जैसे ही मतलब बोला गया कि माता जी बोले के मतलब वीडियो बना लो, जैसे वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला वैसे उसने गाड़ी चला दी तो फिर वीडियो बस उतना ही बन पाया कि लोग भी दिख गए, चेहरा भी दिख गया जी, और फिर उसका गाड़ी का नंबर भी दिख गया। उसने एक गाली भी दी है, थोड़ा आगे जाके चलते चलते उसने एक गाली, अब ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको गाली सुनाई देगी उसने एक जी, तो मतलब ये मतलब की गाली दी है उसमें, हमारे समाज में किसी ने उसमें आगे जगह नहीं दी, मतलब कि कोई जागरूक शिकायत नहीं करी, आगे करी शिकायत नहीं करी, कैसा समाज में किसी ने शिकायत करी उसके आगे, फिर भी इस तरह से हमें वो है हमारे नहीं, जैसे ही फिर समाज के यहाँ के समाज के लोगों को फिर फोन लगाया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हुई है जी, इनमें तुरंत चौकी में फोन लगाया, और तुरंत वो समाज के लोग भी पहुँच गए थे, 8-10 लोग, 4-5 लोग समाज के भी पहुँच गए, फिर पुलिस भी पहुँच गई थी। तो फिर तब तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे, क्योंकि 1 किलोमीटर बचा था, मतलब जहाँ रुकना था माता जी को वहाँ 1 किलोमीटर ही बचा था। तो फिर हम लोग पहुंच ही गए फिर वहां से उठ के, तब तक फिर पुलिस आ गई थी 6:30-7 बजे के आसपास पुलिस आ गई थी, और तो लोग भी पहुंच गए थे समाज के। फिर उन्होंने कहा ऐसा भांगे से नहीं होगा, और मतलब पुलिस की गाड़ी पहले तो चली रही थी साथ में, यहाँ से आए निकले थे रामटेक से, तो जानकारी दी नहीं थी प्रशासन को। अच्छा, इसलिए गाड़ी मतलब व्यवस्था मतलब उनको पता ही नहीं था, इसलिए वो हो नहीं पाई थी। अच्छा, तो अभी कल से जब से मतलब पता ये हो गया, तो फिर प्रशासन की गाड़ी चल रही साथ में, समाज के लोग भी चले, फिर तब 10 किलोमीटर था तो फिर समाज के लोग भी आ गए थे फिर बिहार कराने। अच्छा, बाद में आ गए थे, मतलब उस घटना स्थल पे हमें कोई नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरे दिन मतलब कल आ गए थे, बिल्कुल रविवार को आ गए थे मतलब वो। हाँ, उस दिन तो अभी 1 किलोमीटर बचा ही था हम लोग, उसके पहले वो लोग सुबह आए थे, हार वहार देने आए थे, सब महिलाएं भी आई, जेंट्स लोग भी आए थे। तो स्थिति वही थी कि मतलब महाराज जी आ रहे हैं तो आप आए, लेकिन एक दिन आहार करके ही आप सुबह आए और दोपहर में बिहार कर दें। अच्छा, तो हमने कहा ऐसा तो साधु के लिए नहीं होता है भाई, साधु आने के लिए तो निवेदन किया जाता है, लेकिन जाने के लिए निवेदन नहीं किया जाता है भाई, कोई साधु आ रहा है तो उसकी भी व्यवस्था बनाओ आप। आपने कहा था ये? हाँ, कि भाई उसकी भी व्यवस्था, माता जी बोली थी कि मतलब उसकी भी व्यवस्था बनाओ, हम लोगों को किसी घर में व्यवस्था बना दो, और महाराज जी को संत भवन है तो उसमें बना दो, और महाराज जी कभी निकले नहीं है, और निकल भी कल निकलने भी वाले हैं, तो महाराज जी को आने में 4 दिन लगेंगे, तब तक तो मतलब रुक ही सकते हैं, मतलब ऐसा। सुना आपने दर्द भरी दास्तान, समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, सुरक्षा के सामान पर ढेला, अराजक तत्वों का मुंह बोल के आने आना, और कोई भी अप्रिय घटना को तुरंत रच देना, बाल बाल बच गए। जो माता जी ने स्पष्ट कह दिया बनाओ वीडियो, अगर हिम्मत से कहा होता तभी वो 9-11 गाली बकते हुए निकल गए, वरना कुछ अप्रिय घटना दुस्साहस करने में कोई चोट नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था। समाज वाले हैं, सुरक्षा की तो बात दूर, हम यहां आपको विहार ही करवा सकते हैं, यहां ठहरा नहीं सकते हैं, चिंता की बात है समाज के लिए। यह दृश्य देख रहे हैं जब वहां पर उनके स्वागत की तैयारी हो रही थी, पुलिस भी साथ चलती है। आज ही कामा के अंदर एक पंच किलाने समाप्त हुए, पाषाण से भगवान और हम बन जाए अच्छे इंसान, हर पंचणा की यही भावना होती है। आचार्य श्री सुनील सागर सत्संग के सानिध्य में यह कामा के अंदर हुए, चलन महालक्ष्मी टीम भी गई थी।
पर यहाँ पर देखकर गजब की बातें थी। पर आपको पहले सम्मोषण में कई और सवाल पूछे, चैनल महालक्ष्मी ने सवाल पूछे, दो सवाल पूछे, सुनिए जरा जो हमने पूछे थे और जवाब कहते पहले वह सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं, सुनिए जरा। करते हुए ये नहीं मालूम कि भगवान शांतिनाथ जी के मुख्य श्लोक ने कितने प्रश्न पूछे, पर गणधर स्वामी या महावीर स्वामी में राधा श्री के 60,000 प्रश्न केवल आत्मा में पूछते थे, पर मैं समाज के बारे में दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न यह है कि आज सबसे ज्यादा रोजगार देकर, सबसे ज्यादा टैक्स देकर, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होकर हम 40 करोड़ से 44,53,753 जबकि सबसे ज्यादा दान देते हैं, सबसे ज्यादा सी हैं, सबसे ज्यादा वकील हैं, सबसे सब कुछ है, लेकिन तब हम नीचे क्यों हैं? क्यों हमारा सत्ता साथ नहीं दे पाती? हम कहते हैं क्यों हमारा पुलिस प्रशासन सब जने बैठे हैं, सबके सामने कह रहा हूँ, हम अपने पीछे जेल नहीं लगाते? मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्यों नहीं कह पाते हैं? क्यों हम समाज को दुत्कार दे पाते हैं? क्यों हमारे पीठ सुरक्षित नहीं रह पाते हैं? क्यों हमारा समाज दुत्कार कर रहता है? क्यों हम ऐसी संख्या है? क्या हम वापिस उस सोने की चिड़िया महावीर स्वामी के शासन में पहुंच पाएंगे? तो कैसे पहुंच पाएंगे और कब पहुंच पाएंगे? कल्याण मनाना ही नहीं चाहिए, अपितु अपने घर में जो भी संतान आती है उसका भी गर्व कल्याण करना चाहिए, उसको भी घर में भली भांति पालन करना चाहिए, उसे जन्म देना चाहिए। संख्या तोड़ने के जिम्मेदार दूसरे तो है ही, उसमें आप भी नहीं जिम्मेदार। सही संस्कार ना होने से बच्चे बेटे बेटियां आप ही भी हाथों से सड़कते चले जाते हैं, ऐसे में संख्या बढ़ रहा है। माना कि दान बहुत देते हैं, टैक्स बहुत देते हैं, लेकिन संख्या बल्कि कारण से सरकार आपको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती है। हमें संख्या पर भी ध्यान देना होगा और अपने श्रेष्ठ कर्म है वो तो और भी बढ़ाने ही चाहिए। गणधर स्वामी रूप में सवाल पूछ रहे हैं भावना भाई, हमने आचार्य श्री सुनील सागर जी से उनका एक चतुर्मास 2023 में दिल्ली में हुआ, चाहते हैं दोबारा 2024 दिल्ली के अंदर चतुर्मास हो, उसकी भावना यह रहे कि समाज के अंदर तीर्थों के प्रति चलती हुई सुरक्षा के बारे में भावना जगे, लाल किले के सामने जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसकी प्राचीर जो सामने दिखता है लाल मंदिर, उस लाल मंदिर के अंदर प्रतिमा स्थापित हो, ऊपर शिखर के ऊपर हमारी त्रिवेणी करण पेस के अंदर उसमें त्रिवेणी बने, इसी तरह की भावना के साथ। तो 2024 का चतुर्मास हमारे आचार्य श्री सागर जी का क्या दिल्ली में ही हो रहा है और कब उसके लिए बिहार कराएंगे? तीनों लोगों को देखते जो है आप सुनील सागर जी से और सबका सब कुछ होता है, कोशिश करना पड़ता है। आचार्य के साथ बिहार में आते जाते हुए और कहीं बैठक लंबी चर्चाएं हुई तीर्थों की, कैसे सुरक्षा की जाए अचल तीर्थों के साथ, चले तीर्थों पर जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, चाहे हमारे कोई से बड़े तीर्थों, छोटे तीर्थों, सिद्ध क्षेत्रों या हमारे अतिशय तीर्थों, क्यों उन पर उंगली उठ रही है समाज के अंदर, क्यों बार बार ऐसे बातें होती है ये सब सुनना। हमने जो बात देखी थी सम्मोषण के अंदर, तब वहां पर राज्य सरकार के मंत्री भी बैठे थे, पुलिस के अधिकारी सीओ भी बैठे थे, बहुत जने बैठे थे, उन्होंने स्पष्ट हमने बात सवाल किए थे जो सम्मोषण में किए थे, जब सारे अधिकारी आरएसएस आदि सब मौजूद थे। हमेशा ध्यान रखिए जब कोई हमारे अंदर इस तरह के आदमी आते हैं, विधायक आते हैं, वीआईपी आते हैं, अपनी बात को खुलकर अपने मन से कहने की ताकत जरूर रखिए। और आचार्य श्री ने स्पष्ट रूप से इस भारों का ध्यान रखा, उन्होंने कई बातें की थी इस तरह की। आचार्य श्री के संबोधन पहले एक बात बता दें, कामा का पंचकरण अभूतपूर्व किस लिए रहा? इसमें जैनों का नहीं, जैनेतर समाज का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। वहां जाकर देखा तो उस माला के अंदर आप इस मोती किसका है, ये मोती किसका है नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, सब मिलकर सहयोग कर रहे थे और इसको अभूतपूर्व बनाए थे। ये हमने पहली बार इस कामा के पंच के लड़ाई में देखा। आचार्य ने कई बातें इस मत में कही। एक जैन पत्रकार सम्मेलन भी था क्षेत्र यहां पर, उदयवान जी और तेजारी जी ने को किया था, लेकिन उसमें उन्होंने साफ कहा आज मीडिया बिकाऊ होता जा रहा है और जैन मीडिया के अंदर आजकल मांसाहार और अंडे के विज्ञापन परोसे जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो ये रामलीला हुए उसी तरीके से यह पंच किरण का एक रामलीला रूप है जहां इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा जाती है, पाषाण को भगवान बनाया जाता है जिसके अंदर। उन्होंने आरएसएस के लोगों को बताया कि किस तरीके से यहां पर जिस कुल के अंदर इक्ष्वाकु वंश में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे उसी इक्ष्वाकु वंश के अंदर श्री राम जी का अयोध्या में जन्म हुआ, यानी दोनों प्रणोताएं का डीएनए एक ही है। एक तरफ वहां पर जलों के टैंकर आ रहे हैं जल के और एक तरफ खुला पानी बर्बाद हो रहा है, कैसे आप अपनी इस प्रकृति के रूप में बचा पाएंगे? प्रकृति कब छोट करती है? जब हम अपावन ताशुता कल पंचकलाकों में करते। ऐसी कई बातें की आचार्य ने, पर बात यह थी कि यहां पर उन्होंने जैन और जनमत को
एक करके एक सभी में पिरो दिया। एक दृश्य ये भी दिखाते हैं, मुंशी प्रयोग सागर जी देख रहे अपने बार का दृश्य केश नोच का। जैन साधु के अंदर सबसे बड़ी चर्या का यह परीक्षा होता है, इसको केश लोच को, दाढ़ी मूछ के बाल, सिर के बाल को, केशों को इस तरह उखाड़ते हैं जैसे आप घास को किसान उखाड़ता है, फालतू के सामान को खेत से उठाता है, उसी तरीके से गाजर मूली की तरह निकाल कर बाहर फेंक दे। एक बार कोशिश करके देखिएगा, तब आप समझेगा किस तरीके से ये ताग की और परिचय सहने की पराकाष्ठा होती है। दिगंबर जैन संतों की इस भावना को देखकर आप उंगली तले कहते हैं जनवाज, दांतों तले उंगली दबा लेते। देख रहे हैं आप, ये हैं गढ़नी आरी का अजित मती माता जी, आचार्य जैन सेन जी की सुशिष्य। इन्होंने 3 मार्च को यानी कल इन्होंने नियम संलेखना ग्रहण कर ली। संलेखना का जैन समाज से, जैन सिद्धांतों से, जैन धर्म से, जैन आगम से बहुत नजदीकी संबंध है। एक मृत्यु अगर आपको खींच कर ले जाती है और एक आपके मृत्यु को गले लगाते हैं कि तू क्या करेगी, हम अपने शरीर के इस पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र को ग्रहण करते हैं। इस संलेखना के लिए हमें कहते हैं अंतिम क्षणों में जैसा करते हैं अगले भव को वैसा ही पाते हैं, यहाँ का अंत और वहां की शुरुआत बन जाता है। इसलिए अगर आप असमय नहीं ले पाते नियम संलेखना, कोई बात नहीं, अंतिम क्षणों में जब आयु कर्म छीन लगे, जब इंद्रियां साथ देना बंद कर दें, तो कम से कम इस संसारी छोले को हटा के दीक्षा के मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए। आज कुछ लोग अष्टमी कर रहे हैं, कुछ नवमी कर रहे हैं, फागुन कृष्ण की नवमी, हमारे 9वें तीर्थंकर पुष्पलत भगवान जी का गर्भ कल्याणक। हाँ, 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के 90 करोड़ सागर के बाद आरण स्वर से अवतरित होकर आप आते हैं काकंदीपुर की तत्कालीन महाराजा सुग्रीव की महारानी जयरामा जी के घर के अंदर। घर में आने से 6 माह पहले ही सौधर्म की आज्ञा से उस काकंदीपुर राजमहल पर 3.5 करोड़ रत्नों की सुबह दोपहर शाम और कई जगह लेकर सुबह दोपहर शाम और रात चारों पहरे तीनों पहर पर वर्षा शुरू कर देता है। जन्म कल्याण तक लगातार 15 महीने ये रत्नों की बरसात होती रहती है। वैभव समृद्धि का ऐसा जो देखते हैं रुतबा, ये केवल तीर्थंकरों के गर्भ के 6 माह पूर्व से जन्म तक होता है। आपकी आयु 2 लाख पूर्व की थी और कद था 150 धनुष, आज की मानक में कहेंगे तो 900 फुट का। ऐसे हमारे 9वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक की बात के साथ, पर हाँ कल सुबह आपसे करेंगे बात उस बारे में, विशेष रूप से जब आरएसएस वाले कावा में आए थे तो 3 ऐसे सवाल थे जो आपको मंत्र मुक्त कर देंगे। अरे रावण ने भी जब पत्थर डाले पानी में, वो तैरने कैसे लग गए, पापी अज्ञानी ऐसे काम करने वाले के विश्वास नहीं होता। ऐसा क्या हो गया था जब 14 वर्ष बाद वाम वनवास से आ रहे थे, तो तब वहां पर अयोध्या के अंदर कोई बच्चा उनकी अगुवानी में कोई नहीं आया, क्यों नहीं आता है, क्योंकि पूरा का पूरा अयोध्यावासी अगुवानी के लिए आ गए थे। क्या कारण है कि महाभारत में पढ़ते हैं श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुम्हारे गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, किस तरह से कर करेंगे बात आपके साथ, और फिर कल शाम को करेंगे गिरनार के बारे में चिंतन वाली बात। सादर जय जय।